प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पत्रकार महविश नाज को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे पाकिस्तानी हिंदू दिव्य कुमार जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। आवाम का कहना, पाकिस्तान में आवाम का कहना यह है कि ये इस्लामिक मुसलमानों के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है बाय बीजेपी, क्योंकि वो लोग अगेंस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट कंसीडर किए जाते हैं बाय मुस्लिम्स इन पाकिस्तान। तो ये उस प्रोपेगेंडा का पार्ट है और कोई बात नहीं है। यार आपको क्या लगता है, 25 करोड़ मुसलमानों को आप निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे पाकिस्तानियों को कहना है कि निकालना है 25 करोड़ मुसलमानों को, सऊदी अरब और यूएई चुप रहेगा? मैं बता दूं, सऊदी अरब के जो वर्ल्ड मुस्लिम लीग के जो आपके इमाम थे, जो लास्ट ईयर इंडिया आए थे, अभी अगस्त में ही आए थे मेरे ख्याल से इंडिया में, न्यू दिल्ली में, अजीत डोवाल वगैरह के साथ उनकी स्पीचेस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, उन्होंने एनआरसी का समर्थन किया है, ही सपोर्टेड एनआरसी। और म्यांमार की गवर्नमेंट ने इंडिया को ऑफिशियल लेटर लिखा है कि जितने भी म्यांमार के लोग इलीगली इंडिया में गए, हम उनको वापस लेने के लिए तैयार हैं। वो लेटर भी ऑनलाइन अवेलेबल है म्यांमार गवर्नमेंट का। अभी 1.5 महीना पहले इंडोनेशिया ने 20,000 रोहिंग्याओं को निकाला। अब मुस्लिम कंट्री कैन किक आउट इलीगल रोहिंग्या, बट इंडिया कैन नॉट किक आउट इट्स इलीगल इमिग्रेंट्स। व्हाई? पाकिस्तान में भी तो पाकिस्तान ने भी तो 2023 के अंदर अफगानियों को वापस भेजा, तब तो नहीं बोला कोई। देखें, इस वीडियो से पहले जो हम बात कर रहे थे हिपोक्रेसी, उसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा दिवेक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, $110 बिलियन का जो है बजट पास करके पिछले 90 डेज में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया, बात चाहे कश्मीर की हो, श्रीनगर की, दिल्ली की, या फिर गुजरात की, इवन द्वारका वाला आपने प्रोजेक्ट देखा। इन तमाम चीजों की इनॉग्रेशन से गुजरते हुए नरेंद्र मोदी जी इस वक्त पिछले 90 डेज में $110 बिलियन का बजट लगा चुके हैं अपने कंट्री के ऊपर। क्या कहेंगे, आने वाले इलेक्शंस की तैयारी है या कुछ और? देखें, पॉलिटिक्स में दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है कि वन थिंग इज योर डेवलपमेंट, योर एजेंडा, आइडियोलॉजी, ठीक है, परफॉर्मेंस। अब दूसरी चीज होती है कि आप उस चीज को डिलीवर कब करते हो। काफी प्रोजेक्ट्स मुझे ऐसे पता हैं जो दिसंबर में इनॉग्रेट हो सकते थे, पर मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट्स मार्च में, फेब में इनॉग्रेट किए व्हेन द इलेक्शन वर नियर। तो टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। तो इसमें दोनों चीजें हैं। टाइमिंग के हिसाब से आप कह सकते हो कि इसको इतना करीब लाके इनॉग्रेट करना, वो एक पॉलिटिकल आपका था, स्टंट था। दिवेक, लेकिन टाइमिंग के अलावा देखो, वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ना, पॉलिटिक्स में भी वो अपने कंट्री को, चलो मतलब के लिए कह लो, बेनिफिट तो दे रहे हैं ना। एक बात मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना है, कमिटमेंट्स जो आपने दिए हैं वो तो आपको पूरी करनी है। अब आपको उसको इनॉग्रेट कब करना है वो तो आपके हाथ में है। एंड प्लस दिस इज पॉजिटिव पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के भी दो रूप होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है कि आप इलेक्शन के वक्त इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस कर दो। मोदी जी ने अनाउंस नहीं किए, बाय द वे लोगों को बता दूं, $110 बिलियन में से 50% प्रोजेक्ट्स, विच इज अराउंड $55 to $60 बिलियन के प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट हुए, मतलब डिलीवर हुए। एंड अदर $55 or $60 बिलियन के जो प्रोजेक्ट हैं वो फाउंडेशन ले किया गया। और मोदी जी के जो 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि फाउंडेशन ले हुआ है तो इनॉग्रेट भी हो ही जाएंगे, आज तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो इनॉग्रेट ना हुआ मोदी जी का पिछले 22 सालों में, सिंस 2001 गुजरात के जब सीएम थे। तो दिवेक, इसी चीज को ऑन अनदर हैंड से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से करो कंपैरिजन। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये लोन लेने से तो फारिक हो, बेसिकली यहाँ पर लोन दिखाया जाता है, हमें लोन मिल गया, दैट इज देयर अचीवमेंट, दे कंसीडर इट देयर अचीवमेंट एंड दे पोर्ट्रे इट लाइक इट इज देयर अचीवमेंट टू गेट अ लोन। अच्छा, लोन भी डेवलपमेंट के लिए नहीं आया, लोन आपका आया दूसरे लोन को चुकाने के लिए। इंडिया में भी, इंडिया में देखो, जब जापान से लोन आया उसको पॉलिटिकली थोड़ा बहुत एडवर्टाइज किया गया था बुलेट ट्रेन के लिए, ठीक है,
वो करीब आया था 87,000 और 90,000 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 90,000 करोड़ का लोन जापान ने दिया था इंडिया को फॉर मेकिंग दिस मुंबई टू अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, ठीक है। 0.1% इंटरेस्ट रेट पर एनम, 50 साल में वापस करना। तो उसको भी एडवर्टाइज किया गया था हल्का फुल्का, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता, लेकिन वो डेवलपमेंट के लिए आया, 50 साल में वापस करना है 0.1% पे। बुलेट ट्रेन आएगी इंडिया में पहली, पाकिस्तान में लोन चुकाने के लिए जो लोन लिया जा रहा है आईएमएफ से, वो जब आता है तो वी प्राउडली आर पॉलिटिशियंस ऑन टीवी से कि हमने एक फतह हासिल की है। अब इसमें क्या कंपेयर करें, अब मरियम जो आपकी बनी है पंजाब की सीएम, ठीक है जी, ये जो सीएम बनी है इन्होंने बोला, जब पहला दिन था उसी दिन बोला कि मैं 5 आईटी के शहर बनाऊंगी पंजाब में। मेरा कहना ये था कि आप आईटी के शहर छोड़ो, अगर आपने 5 साल में एक ढंग का आईटी का पार्क बना दिया ना पूरे पंजाब में, वो आपको बहुत आगे ले जाएगा पॉलिटिकली भी और पंजाब की आवाम को भी बहुत आगे लेके जाएगा। अगर एक प्रॉपर मॉडर्न वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपने एक आईटी पार्क बना दो, एक पार्क तो बन नहीं रहा, ये 5 शहर बना, एक तो दावे उतने बड़े ना करो। ये चीज मोदी जी की अगर तुम देखोगी तो दिखेगा, वो उतना ही बोलेंगे, अच्छा जितना बोलेंगे उतना डिलीवर हो जाएगा। और मैंने तो अक्सर ऐसे भी देखा कि वो बोलते 5 का है तो 6 डिलीवर कर देंगे। हमारे घर वाले भी सिखाते हैं यार बचपन में कि उतना ही बोलो जितना कर सकते हो या उससे भी कम बोलो, ज्यादा डिलीवर हो गया तो तुम्हारी वाह वाह होगी और अगर नहीं कर पाए डिलीवर तो कम से कम थू थू तो नहीं होगी। 5 आईटी के शहर, अच्छा कौन से शहर ये नहीं बताए, वो नहीं बताए कौन से शहर को मैं डेवलप करूंगी, बस बता दिए 5 शहर पंजाब के। अब बैठ के सोचो कौन से शहर हैं। और पंजाब में एक नया तरीका, मैं उस दिन बैठ के पता नहीं क्या पाकिस्तान का मैप खोल के, डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने मैप खोला हुआ था, पंजाब में 55 डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब एरिया में इतना सा है, इतने से एरिया में 55 डिस्ट्रिक्ट। वो बलोचिस्तान इतना पाकिस्तान का 45%, उसके अंदर मेरे ख्याल से 27 के 32 डिस्ट्रिक्ट है। जितने ज्यादा डिस्ट्रिक्ट उतने ज्यादा ब्यूरोक्रेसी, जितनी ज्यादा ब्यूरोक्रेसी उतने ज्यादा लोग पेरोल पे आपके, करप्शन। बहरहाल विवेक, पाकिस्तान के अपने हालात तो ऐसे ही चल रहे हैं, लेकिन सीए वाली जो आग लगी है पाकिस्तानी आवाम को, या फिर ये कह लोगे इस कम्युनिटी को, वो वाकई अभी तक तो समझ नहीं आ रहा है कि उसके पीछे मुझे क्या नहीं लगता लॉजिक कि आग लगी है, है। असल आग तब लगेगी जब आने वाले शायद 1 या 2 साल में, अगर अगर ठीक है इंडिया ने CA2 लेके आया Part 2, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि वी एक्सेप्ट रेफ्यूजीज फ्रॉम अहमदिया एंड शिया कम्युनिटी, फिर क्या करेंगे? आग तब ज्यादा लगेगी, बड़ा ये प्रोपेगेंडा है, ये मसला आग हो नहीं जाएगा। है, ये आग नहीं है, प्रोपेगेंडा है, आग तब लगेगी। हाँ ज्यादा बड़ा मसला हो जाएगा। ऐसे बहरहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, इन फ्यूचर क्या होने जा रहे हैं। बाकी यार मुझे अभी तक कोई बांग्लादेश या अफगानिस्तान की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट नजर नहीं आई है। हैव यू हर्ड एनीथिंग? बांग्लादेश ने मेरे ख्याल से स्टेटमेंट नहीं दिया, अफगानिस्तान ने स्टेटमेंट दी है। और आप अफगानिस्तान की स्टेटमेंट देखे कितना सेंसिबल है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि तो मैं खोल दूँ ये रहा। सीए शुड बी फॉर ऑल परसिक्यूटेड पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, सेज तालिबान। द तालिबान स्पोक्स पर्सन ऑल्सो क्लेम्ड दैट देयर वॉज नो परसिक्यूशन ऑफ सिख्स एंड हिंदू इन तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान। कितना कैलकुलेटेड वेल क्राफ्टेड स्टेटमेंट है, इतना बड़ा स्टेटमेंट आप तालिबान की तरफ से आ रहा है, लेकिन हमारी अरबों रुपए की इधर फॉरेन मिनिस्ट्री चल रही है वहां से नहीं आया। अब आप इसको समझें, सीए शुड बी फॉर ऑल परसिक्यूटेड पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मतलब वो सीए को बुरा नहीं कह रहे, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं सीए को, बस उसके अंदर मुसलमानों को भी होना चाहिए था, ठीक है। अब अपनी बात भी आगे रखनी है ना, अपनी बात कैसे आप आगे रखोगे कि तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान में सिख और हिंदुओं पर कोई जुल्म नहीं हुआ है। तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान मतलब जो अशरफ गनी वगैरह जो दूसरी सरकारें थी उसमें बहुत कुछ हुआ, पर
इंडिया को जो कहना था वो इंडिया को कह भी दिया और अपने रिश्ते भी खराब नहीं किए। डिप्लोमेसी इसी का तो नाम है। क्या आप दूसरों को डिप्लोमेसी सुना तो भी दो? देवक, डिप्लोमेसी से ज्यादा इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, यूजेज ऑफ ब्रेन। हमारे शहबाज शरीफ जब बाहर गए तो उल्टा छतरी ले ली लड़की की और भाग गए। वो इतनी वीडियो वायरल हुई कि एवरीवन वाज लाइक, यार आप पे 10 कैमरास हैं, आप वो शहबाज थोड़ा शरीफ की, मैं बेचारे शहबाज शरीफ को उसका दोष नहीं दूंगा। पाकिस्तान का कोई भी मर्द होता वो चला जाता। पाकिस्तानी मैन डजंट नो व्हाट इज एग्जाम्पल दे रही जेंटलमैन हूँ लाइफ और कि शेवलरी। इट्स ऑल अ गेम ऑफ माइंड एंड मतलब हैट्स ऑफ के उन्होंने यूज किया अपना दिमाग, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पे फोकस कर मैं रहे वैसे एक हैं। बात बता दूं, सवा साल या एक एक या सवा साल पहले खबर आई थी दैट तालिबान विल सेंड इट्स डिप्लोमेट्स टू इंडिया टू गेट ट्रेन इन डिप्लोमेसी फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस। माइक बंद है। सॉरी मैं कह रही हूँ, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। सवा साल पहले, एक या सवा साल पहले खबर आई थी कि अफगानिस्तान के तालिबान अपने लोग इंडिया भेजेंगे टू गेट ट्रेन इन डिप्लोमेसी फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेस। और ये यार स्टेटमेंट देख अभी के ऐसा कुछ ही दिन पहले लगता है, पढ़ ये स्टेटमेंट देख के ऐसा ही लगता है कि ये उसी इंस्टीट्यूट का है जिस इंस्टीट्यूट में कभी इस किसी वक्त में एफ जय शंकर पास हुए थे। पास हुए थे। देवक मेरी बात सुनो, कुछ दिन पहले नेपाल के अंदर जो मीटिंग हुई है बायलेटरल रिलेशंस के लिए और ह्यूमन एड भेजी गई है, वो नहीं देखा अफगानिस्तान और उसका इंडिया का? तो नहीं कहीं वो ना तो कहीं है, मुझे तो लग रहा है आने वाले टाइम में हाथ जुड़ जाएगा। अफगानिस्तान ने $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वो कर दी चाबार पे। वो बोल रहे हैं कि हम चाबार में $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा अफगानिस्तान एंड चाबार इज ओन्ड बाय इंडिया। और चाबार से इंडिया एक रोड भी बना रहा है जो बेसिकली विल गो चाबार से वो आपका अफगानिस्तान जाएगा एंड फ्रॉम अफगानिस्तान देन इट विल गो टूवर्ड्स सेंट्रल एशिया। वो पूरा कनेक्ट करेगा। तो ये अब हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। वो तो कर रहे हैं, हमें कुछ तालिबान भी भी नहीं कर रहे हैं, करना, हमें इंडियन तो कर ही रहे हैं। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सोना है लंबी तान के। और हमारी जब आंख खुलेगी दुनिया वैसे ही कहाँ की कहाँ चली गई है, तब बिल्कुल ही बिल्कुल शूटर हो गई होगी। खैर दवेक, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत इंटेलेक्चुअल डिस्कशन रही, होपफुली हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत जो है ना इंफॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू सो मच व्यूवर्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच दवेक फॉर योर टाइम, और मिलते हैं फर्दर वीडियोज में। आज की वीडियो से मुझे मेरे गेस्ट को दें इजाजत। कमेंट सेक्शन में आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सजेशंस भी दे सकते हैं। तब तक नेक्स्ट वीडियोस के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और महविशनाज और दिव्य कुमार का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों ने ना सिर्फ चर्चा की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बल्कि बात की सीए यानी नागरिकता कानून के बारे में। वेल, मुझे इस बात की हैरानी है कि दिव्य कुमार पाकिस्तानी हिंदू होके इस कानून को समझ, पर वहीं भारत में रह रहे कुछ शांति दूत इसका अभी भी विरोध कर रहे हैं या फिर ना समझ होने का नाटक कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।